हेलो, मैं सर डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है साइटिका। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर साइटिका क्या होता है? तो साइटिका एक टाइप का नर्व पेन होता है जो आपको साइटिक नर्व की वजह से हो सकता है। अगर आपके साइटिक नर्व में किसी भी तरीके की इरिटेशन हो रही है, कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, कोई भी तरीके का आपको इंजरी हुआ है साइटिक नर्व में, तो उसके वजह से आपको पेन हो सकता है। साइटिक नर्व हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है जो हमारे हिप से शुरू होता है और सीधा नीचे पैरों तक जाता है। तो अगर किसी भी पर्सन को साइटिक नर्व में कॉम्प्रेशन हुआ है या फिर किसी भी तरीके की इंजरी हुई है, उन्हें अगर नर्व में इरिटेशन हो रही है, तो ऐसे लोगों में देखा जाता है कि उन्हें साइटिक पेन हो सकता है जो उन्हें कमर से शुरू होता है और सीधा पैरों तक जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को साइटिका की कंप्लेन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि ऐसे लोगों को मॉडरेट टू सीवियर पेन हो सकता है। पेन इन्हें लोअर बैक साइड में हो सकता है या फिर उन्हें बटक्स में पेन हो सकता है या फिर उन्हें सीधा नीचे लेग या फिर फीट की तरफ पेन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में नमनेस देखा जाता है, उन्हें सुन फील होने लग जाता है, उन्हें वीकनेस फील होने लग जाती है। ये भी उन्हें बैक साइड में हो सकती है, बटक साइड में हो सकती है या फिर नीचे लेग्स की तरफ हो सकता है। जिन लोगों को साइटिका की कंप्लेन होती है उन लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें पेन मूवमेंट के साथ होता है, जैसे ही वो काम करने लग जाते हैं या फिर अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में है बहुत टाइम से, तो ऐसे लोगों को पेन होने लग जाता है और जब वो रेस्ट करते हैं तो ये पेन चला जाता है। तो इसमें लॉस ऑफ मूवमेंट देखा जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। साइटिका में कई सारे सेंसेशन आपको फील हो सकते हैं। अगर आपकी साइटिक नर्व इरिटेट हो रही है तो आपको पिन या फिर निडल चुभने जैसा सेंसेशन आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में जिस भी जगह आपको साइटिक पेन हो रहा है वहाँ पर आपको कोई पिन चुभा रहा हो, इस टाइप का आपको सेंसेशन फील होगा। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को साइटिका की कंप्लेन है उनकी बॉडी में जो बोवेल मूवमेंट है वो लॉस हो जाते हैं, उन्हें यूरिनेशन और डेफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि साइटिक पेन आपको एक ही लेग्स में होता है क्योंकि एक पैर की नर्व इरिटेट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, कॉम्प्रेस हो सकती है, लेकिन आपको दूसरे पैरों में भी ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये रेयर कंडीशन है। साइटिका में पेन ऐसा देखा जाता है कि आपको बर्निंग टाइप का पेन हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का पेन हो सकता है, इसके अलावा आपको स्टैबिंग टाइप का पेन भी हो सकता है। साइटिका का पेन आपको स्टैंडिंग पोजीशन में हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कफिंग कर रहे हैं, आप स्नीजिंग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको पेन फील हो सकता है। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को साइटिका की कंप्लेन है तो आखिर उसका रीज़न क्या है। तो कई सारी मेडिकल कंडीशंस है, कई सारी बीमारियाँ हैं जो साइटिका होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बीमारियाँ जैसे कि अगर किसी पर्सन को हर्निएटेड या फिर स्लिप डिस्क की कंप्लेन है तो ऐसे लोगों में ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एज रिलेटेड डिस्क डिजीज़ हो रही है, उनके जो डिस्क है, जो वर्टिब्राज होते हैं, अगर वो डीजनरेट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को स्पाइनल स्टिनोसिस की कंप्लेन है तो ऐसे लोगों में भी साइटिका हो सकता है। कई बार अगर किसी पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेन होती है तो ऐसे लोगों में भी साइटिक पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को स्पाइन में इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, स्पेशली लंबर स्पाइन में अगर उन्हें कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से उनकी कमर की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई हो या फिर वहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रॉमा या इंजरी हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको साइटिक पेन हो सकता है। इसके अलावा कैंसर या फिर किसी भी तरीके का ट्यूमर भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी पर्सन को लंबर स्पाइन में कोई ट्यूमर हो रहा है, कोई ओवरग्रोथ हो रही है जिसके वजह से जो नर्व है साइटिक नर्व वो कॉम्प्रेस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको साइटिक पेन हो सकता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को कमर में कभी इंजरी हुई हो या फिर लंबर स्पाइन में चोट लगी हो, तो ऐसे लोगों को इन फ्यूचर ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको साइटिक पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबेसिटी है आपको, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में जो मसल्स है वो स्ट्रांग मसल्स नहीं है, मसल बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो ऐसे लोगों में भी साइटिक पेन हो सकता है।
साइटिक पेन उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी जॉब बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को साइटिक पेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ होता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर साइटिक पेन हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्मोक करते हैं, ऐसे लोगों में भी इन फ्यूचर साइटिक पेन हो सकता है। साइटिक पेन उन लोगों में भी कॉमन है जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेन होती है, या फिर जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, एक ही जगह में बैठे रहना, या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करना, वॉकिंग नहीं करना, तो ऐसे लोगों को भी साइटिक पेन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रूटा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप अर्निका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रायोनिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रश्टॉक्स 30 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, ये था साइटिक पेन। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, इसके कॉज क्या है, कौन कौन से लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।